स्टूडेंट्स आज हम फेडरल बोर्ड के 2019 के नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमें एग्जामिनर ने सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया है जिसके लिए टाइम अलाउड है ट्वेंटी मिनट्स ये कंपलसरी होता है इसके सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन नंबर वन है और कितने है? इसके कितने पार्ट्स हैं इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने हैं ये आ गए ट्वेल्व इसके ट्वेल्व पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहते हैं कि सर्कल द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए बी सी या डी ईच पार्ट कैरीज वन मार्क करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल करना है तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इफ द मोलर ऑफ अ कंपाउंड इज 90 ग्राम्स पर मोल द नंबर ऑफ इट्स मोल्स कंटेनिंग थ्री पॉइंट जीरो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्शन ए है वन पॉइंट फाइव ऑप्शन बी है थ्री ऑप्शन सी है पॉइंट फाइव ऑप्शन डी है फोर पॉइंट फाइव हम ऐसे करते हैं कि रफ़ वर्क में इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए इसमें हमें पता है कि इसको फॉरन से देखने से क्या पता चला कि इसमें नंबर ऑफ इट्स मोल्स भी गिवन है मोलर मैथ भी गिवन है और मोलिक्यूल्स हमें फ़ाइंड करने हैं सॉरी मोलिक्यूल्स गिवन है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू टू नंबर अब एवोगैड्रोस नंबर भी पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता है हमें एक तरफ हम नंबर ऑफ मोल्स रहने देंगे और दूसरी तरफ हम एवोकैट नंबर को ले जाएंगे तो वो इधर मल्टीप्लाई हो और है इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा और हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी तो ये क्या आ जाएगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंट तो नंबर ऑफ मोल्स जो है जिनके अंदर थ्री पॉइंट जीरो वन वन एक्सपोनशियल ट्वेंटी थ्री मॉलिकूल्स मौजूद हैं तो ये क्या है ये पॉइंट फाइव मोल्स हैं और हमारा जो आंसर आया है वो इसमें से कौन सी ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन बनती है तो हम पॉइंट फाइव को सर्कल नहीं करेंगे हम सी को सर्कल कर देंगे और इस तरह हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल uh, कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज अब मैग्नीशियम को यहाँ पर एटॉमिक मैस ऊपर दिया हुआ है नीचे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन किससे आएगी किससे पता चलेगी एटॉमिक नंबर से 12 है तो हम देखते हैं कि करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है 1s2 2s2, 2S2 2p6 अभी कितने हुए एक दो तीन चार और ये छे टेन इलेक्ट्रॉन्स हुए फिर थ्री एस टू ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स अब देखिए इसके आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है ऑप्शन ए में तो ट्वेल्व से इसका मतलब है कि इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ट्वेल्व से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये तो करेक्ट नहीं होगी ऑप्शन सी में देखें 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स 2p6 में कितने हो गए सिक्स प्लस फोर टेन इलेक्ट्रॉन्स फिर थ्री ये भी 12 इलेक्ट्रॉन्स फिर थ्री पी सिक्स भी आ रहे हैं फोर एस वन थ्री डी यानी कि ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ रहे हैं ये भी करेक्ट नहीं होगी ये भी मैग्नीशियम के लिए नहीं हो सकती डी ऑप्शन में देखें 1s2, 2s2, 2p4, 3s4। अब इसमें कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही नहीं है क्यों क्योंकि देखें थ्री एस में फोर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि रॉन्ग होता है एस में तो सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स आ सकते हैं और बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें है 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक भी है क्योंकि p में 6 हैं तो उसके बाद थ्री जो है वो फिलिंग हुई है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें पता चला बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसलिए हमने बी को जो है वो एनसर्कल कर दिया थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि इधर से इस तरफ को जाएंगे तो हम कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होती ए है एटॉमिक रेडियस बी है एटॉमिक मास सी है शील्डिंग इफेक्ट और डी है न्यूक्लियर चार्ज ए एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हुए चेंज होता है डिक्रीज़ होता है बी है एटॉमिक मैस लेफ्ट टू राइट जाते हुए किसी भी पीरियड में एटॉमिक मैस इंक्रीज होता है इसका मतलब है चेंज हो रहा है डी अगर ऑप्शन को देखें तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो चेंज होता है इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज कर होते हैं न्यूक्लियस में और सी ऑप्शन को देखें तो शील्डिंग इफेक्ट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान वो तो चेंज नहीं हो रहे होते ना सिर्फ पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता सो so, सी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था इसलिए हमने सी को जो है वो इंसर्कल कर दिया फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड यानी कि जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है पहली बात कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनते हैं जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो आ, बनाएगा पॉजिटिव आइन जिस इलेक्ट्रॉन में गेन हो जाएगा वो बनाएगा नेगेटिव आइन तो इसमें क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड तो ए जो है वो है गोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं होगा इसमें शेयरिंग होती है बी जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बनता है सी जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये भी पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होता है और डी है आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए हमने डी को जो है वो इंसर्कल कर दिया fifth question is, the melting point and boiling point of water are higher due to uh, water ka melting or boiling point higher a option is it's covalent nature कोवलेंट नेचर की वजह से तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता सी है इट्स हायर मोलिकुलर मैस इसका मोलिकुलर मैस इतना भी हाई नहीं होता डी ऑप्शन है इट्स हायर डेंसिटी इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती और बी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली जो होते हैं वाटर के इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इसको इसकी बॉन्डिंग को इंटर मोलिकुलर को स्ट्रॉग बनाती है जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं तो क्या ऑप्शन करेक्ट है बी ऑप्शन और हमने बी को यहाँ इंसर्कल कर दिया सिक्स uh, क्वेश्चन है द इक्वेशन वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अब यहाँ पर कौन सी दो आ रही है जिनका हम देख रहे हैं अब ये देखें v बाय टी है इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t v क्या है वॉल्यूम t क्या है टेम्परेचर तो यहां से हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसका यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन एलिटी हटाएं और t को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और ये कौन सा लॉ होता है ये ए चार्ल्स लॉ चार्ज लॉ होता है और अगर बी देखें लॉ लॉ में तो हम किसकी बात करते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की तो यहां तो वॉल्यूम और टेम्परेचर है सी लॉ लॉ में किसकी बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की तो ये भी नहीं हो सकता डी है लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन की बात तो नहीं कर रहे यहाँ पे हम तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि चार्ज लॉ जिसमें हम कहते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या इक्वेशन बनती है वी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेवंथ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में बनता है बीच में मेल्ट नहीं होता तो एवेपोरेशन एवेपोरेशन तो लिक्विड से गैशिय स्टेट में जाने को एवेपोरेशन कहते हैं ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है बी में है मेल्टिंग मेल्टिंग तो बीच में आ ही नहीं रही तो यानी कि लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जाता है ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है सी ऑप्शन है बॉयलिंग बॉइलिंग में क्या होता है लिक्विड से गैशिय स्टेट में जाते हैं ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है और डी है सब्लिमेशन सब्लिमेशन so वो प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन होती है सॉलिड की वेपर्स में तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हमने डी ऑप्शन को एंसर्कल कर दिया एट क्वेश्चन में कह रहे हैं एन कैन ऑफ़ सॉलिड एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस

तो ए ऑप्शन कह रहे सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि 20 ग्राम्स डाले ना यानी कि सैचुरेटेड पॉइंट सेचुरेशन के पॉइंट से कम डाले हैं तो इसका मतलब है कि सी होगा सेचुरेटेड सोल्यूशन भी नहीं हो सकता डी सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड नहीं इसकी तो सेंस नहीं बन रही यहां पे और अगर हम बी की बात करें तो यह है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन यह है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा तो हमने बी ऑप्शन को जो है वो इंसर्कल कर दिया अब नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं अकेमिस्ट डिजॉल्व फिफ्टीन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एटी फाइव ग्राम वाटर दिस सोल्यूशन इज इस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं रफ जो रफ पेपर होगा उसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे पहली बात तो ये देखेंगे कि फटाफट से यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ ये वाला डेटा जो गिवन है इसमें से ये भी ग्राम्स में ये भी ग्राम्स में है मतलब ये भी मैस है और ये भी मैस है इसका मतलब है या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगी जिसमें मैस बाय मैस है या डी ऑप्शन करेक्ट होगी जिसमें मैस बाय मैस आ रहा है और सी ऑप्शन जिसमें 15 परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कह रहे हैं यह तो नहीं हो सकती बी ऑप्शन है 15 परसेंट मैस बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती तो ए ऑप्शन बची है 85 फाइव परसेंट मैस बाय सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन और डी ऑप्शन है फिफ्टीन परसेंट मैस बाय सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इसको अब हम ऐसे करते हैं सोल्व कर लेते हैं सॉरी इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज मैस बाय मै इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सोल्यूशन इन टू मैथ्स ऑफ सोल्यूट फिफ्टीन ग्राम्स है डिवाइडेड बाई एटी फाइव प्लस फिफ्टीन यानी कि सोलवेंट और और सोल्यूट को दोनों को ऐड करेंगे तो सोलूशन का मैथ आ जाएगा इन टू हंड्रेड और ये हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा फिफ्टीन परसेंट मैथ्स बाई मैथ जिससे हमें पता चलेगा कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है तो हमने यहाँ पर डी ऑप्शन को जो है वो इंसर्कल कर दिया टेंथ क्वेश्चन में कह रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन अगर लूज हो तो क्या होती है रिडक्शन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अगर uh, गेन हो तो क्या होती है रिडक्शन तो ए ऑक्सीडेशन बी रिडक्शन सी रिडॉक्स रिएक्शन डी न्यूट्रलाइजेशन तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगी रिडक्शन यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी इसलिए इसको हमने एंसर्कल कर दिया इलेवेंथ क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन अब फर्स्ट पार्ट में देखें ए पार्ट में वो एच टू ओ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के एच टू ओ सॉरी एच टू का ऑक्सीजन के साथ ओ टू के साथ रिएक्शन रिएक्शन करवा के एज टू ओ बना रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है ये रिडोक्स रिएक्शन है एनोड पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है बी में क्या है बी में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव जिंक यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं ये तो रिडक्शन है और रिडक्शन होती है कैथोड पे सी ऑप्शन है क्रोमियम है क्रोमियम uh, जो है थ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और साथ क्रोमियम का आयन बना रहे हैं। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है और एनोड भी होती है ऑक्सीडेशन लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी साथ में देख लेते हैं फोर्थ में है लेड है और साथ में क्लोरीन है इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो लेड क्लोराइड बन रहा है तो इसमें भी हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन है सिंपल एक रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी है जिसमें हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन देखने को मिल रही है क्योंकि एनोड पर सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन ऑफ द द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑप्शन ए है स्ट्रॉनशियम ऑक्साइड बी बेरियम ऑक्साइड सी कैल्शियम ऑक्साइड डी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉरन से देखने से पता चल गया ये सारे के सारे ग्रुप टू यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड का जो जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करेगी इसका मतलब है कि बेरियम ऑक्साइड यानी बेरियम बॉटम पे मौजूद होता है इस ग्रुप के तो बेरियम ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी बेरियम ऑक्साइड इसको हमने सर्कल कर दिया और इस तरह हमने यहाँ पर 12 के 12 पार्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव या सेक्शन ए के इनको हमने यहाँ पे जो है वो अटेम्प्ट कर लिया